सो हे गाइस, सुपर हेयर एंड वेलकम टू न्यूज़ वर्सेस वीडियो चैनल। सो गाइस, आजकल पहले न्यूज़ आ रही है वो आ रही है जानू स्टनिंग की तरफ से। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर उस वीडियो में तीन स्प्लेंडर राइडर और जानू स्टन की टीम के साथ थोड़ा सा मारपीट हो गया था। बाकी किस वजह से हुआ उस वीडियो का छोटा सा पार्ट आप देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पायल मलिक एंड कृतिका मलिक की तरफ से। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ के बारे में बात किया है। तो उस वीडियो का छोटा सा पार्ट आप देखिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाहर के लोग ना हमारे लोगों को बार बार मतलब फूट डालो राजकोट की नीतियां बना रहे हैं और हमारे जो लोग ना बेवकूफ लोग वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी होने वाला उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में क्लियर हो गया कि कल को मेरी नहीं बनी। मैं लोगों को मेरी नहीं बनी तो मैंने पूरी जिंदगी मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहता ना वो रही ना हमारे। और हालांकि ये बात हमें ना हर कोई देखता है तो वो भी देखी होगी। अगर उसे इतनी प्रॉब्लम होगी ना तो वो आ जाएगी यहां पे। ठीक है, तुम कौन हो फैसला करने वाले, तुम कौन हो पंचायत करने वाले, मतलब कोई टॉपिक नहीं है और कोई टॉपिक नहीं हमारे पास। दो बच्चे कहां गए, वो कहां गए, ये कहां गए, तुम और कोई टॉपिक उठाओ ना क्योंकि और कोई टॉपिक तो चलता नहीं है। जब तक अरमान का नाम नहीं आएगा जब तक हमारा नाम नहीं आएगा कोई देखेगा नहीं आपका, आपका कोई ब्लॉग नहीं देखेगा, कोई कोई आपका चैनल पे जाके देखे झांकेगा भी नहीं। लेकिन जहां अरमान के सामने लगा दिया अरमान का फोटो लगा दिया वो कभी 25,000 आया। बाकी यही था इसके कुछ न्यूज़ अपडेट वीडियोस। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर इस चैनल से ऐसे ही न्यूज़ अपडेट पाना चाहते हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।